हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का सैंपल पेपर विच इज इश्यूड बाय CBSE ऑफ सब्जेक्ट साइंस। टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 80। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड assertion reason type questions, जो कि इस टाइम न्यू इंक्लूडेड है, न्यू टाइप के questions हैं ये। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप questions, जिसमें कि 50-60 वर्ड लिमिट है, एंड सेक्शन सी 5 मार्क्स ईच एंड वर्ड लिमिट इज 80-90। टोटल नंबर ऑफ questions आर 30। नाउ वी सी द सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको एक पैराग्राफ रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं जो भी आपने पैराग्राफ रीड किया उस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल गिवन है, आपको स्टडी करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6-7 MCQ बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास चॉइस अवेलेबल है। नाउ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में ये assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टेट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स 1st, 2nd, 3rd, and 4th। नाउ वी मूव टू सेक्शन बी, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में चॉइस अवेलेबल है आपके पास। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हमने CBSE की साइट www.cbse.nic.in से डाउनलोड किया है। आप भी उस साइट को विजिट करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, मार्किंग स्कीम, और साथ में ब्लूप्रिंट भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको एक रफली आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर किस डिजाइन में बनेगा, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। फ्रेंड्स, तो ये था CBSE का लेटेस्ट सैंपल पेपर फॉर क्लास 10th साइंस। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के और किस सेक्शन में क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।